वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है, हमारी वाटर कनेक्टिविटी पर निर्भर है। इस बात की गंभीरता को समझकर दशकों पहले हमें इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत थी। और मैं आपको गुजरात के अनुभव से कहता हूं, अगर हम योजनाबद्ध तरीके से जन भागीदारी के साथ पानी बचाने की पहल करेंगे तो हमें पानी समस्या नहीं लगेगी, पानी हमें पैसों से भी ज्यादा कीमती ताकत के रूप में उभर करके आएगा। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से जितनी मात्रा में होना चाहिए, जितने व्यापक स्वरूप में होना चाहिए, जन जन की भागीदारी से होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई। नतीजा ये कि जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है, जल संकट की चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और इसलिए हम तय करें कि हम पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम पानी का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, हम पानी के साथ पवित्र रिश्ता रखेंगे। ये हमारी पवित्रता पानी को बचाने के लिए काम आएगी। ये देश की वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अभी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं।